कि जितने भी प्रांत के अध्यक्ष है, चाहे हमारे नागालैंड के हो, महाराष्ट्र के हो, जयंत पाटिल हो, चाहे और भी राज्यों में जो भी अध्यक्ष है, वो केवल नॉमिनेटेड अध्यक्ष रहे हैं। और योगायोग की बात है कि मेरे हस्ताक्षर के माध्यम से वो सभी लोगों को पदाधिकारी का चयन किया गया है। कहने का मतलब यही है कि जो जो ये शेड्यूल में मानी गई है कि पार्टी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है, मगर पार्टी के चुनाव भी उसके अनुरूप, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुरूप हुए हो तो वो बराबर है। और इसलिए हमारी पार्टी में उस तरह से वो चुनाव हुए ही नहीं है, कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। हमारे पास अगर नेशनल हम कन्वेंशन बुलाते हैं, आपको एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट से स्टेट और स्टेट से सेंटर तक डेलीगेट्स बनते हैं और वो अपने अपने तरीके से अपने वहां के अध्यक्षों को चुनते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष हो, चाहे स्टेट का अध्यक्ष हो या नेशनल हो। तो वो डेलीगेट्स हमारे कभी इलेक्शन ही नहीं हुए बहुत कई सालों से, तो वो डेलीगेट्स ही नहीं है। इसलिए बिना डेलीगेट अभी हम अधिवेशन बुला ले, 1000-2000 आदमी की भीड़ बुला ले और उसमें हम कह दे के ये चुने गए हैं, मगर वो कौन आए, कैसे चुने गए, वो कौन लोगों ने आकर आपको चुना, ये सारी बातें हमारे बहुत क्लियरली मैं आपको कहना चाहता हूं कि एब्सेंट है। और उस वजह से पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के तौर पर चुनाव की जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो असंवैधानिक है। और इसलिए चुनाव आयोग को पार्टी कौन है, और इसमें ये इसके कहने का पीछे एक और बैकग्राउंड भी मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो चुके हैं। हमारे ही पार्टी एनसीपी में पीए संगमा वर्ष का भी एक पिटीशन था 2003 में, और वो योगायोग से मैं ही उस पूरे पिटीशन को उस समय पर चुनाव आयोग के समक्ष हैंडल करता था। और उस वक्त भी बहुत सारी जो चीजें थी अल्टीमेटली स्ट्रेंथ ऊपर गई, क्योंकि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पे ही गई। और वही बात यहाँ पर संविधान में कई मतलब ऐसे जो चुनाव की जो प्रक्रियाएं हुई हैं और उसके बाद पार्टी किसकी है ये फैसला जब नहीं कर पाते हैं, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से ही ये फैसला होता है। और मैं आप लोगों को इसलिए ये कहना चाहता हूँ जरा स्पष्टीकरण से, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारा कंफ्यूजन आप लोगों को भी है, जनता को भी है और आप लोगों को भी है, क्योंकि अभी एकनाथ शिंदे जी वाला कोई केस के बारे में चलता है, हमारा केस का उनके केस से बिल्कुल कोई ही ताल्लुकात नहीं है। हमारी प्रक्रिया बहुत अलग तरीके से जो हमने ये पूरी अपनाई है और जिस माध्यम से हमारी पार्टी में जो ये स्प्लिट हुआ है, ये फिलहाल में जो दूसरी जो केसेस चल रही है, स्पीकर के सामने कुछ चल रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के मामले को लेकर कुछ लोग बात करते हैं, मैं आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सारी बातों को हम लोगों को जानकारी है, उसका अध्ययन हो चुका है। अध्ययन करने के पश्चात ही हमारे सारे ये प्रक्रियाएं ये जो हमारी हुई हैं, इसलिए कहीं भी किसी के मन में ये किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि कल चुनाव आयोग क्या फैसला करेगा, लेकिन जो आधार पर ये सब कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए गए हैं, उसमें कहीं भी हमारे मन में या हमारे को जो कानूनी जो हमारे सलाहकार हैं उनके मन में कोई शंका नहीं है। ये मैं आप लोगों को इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन शिंदे जी के केस वाले मामले से, मैं उनके केस में भी क्या होगा नहीं होगा मेरा तो उसमें कोई अभिप्राय नहीं है। मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोगों के मन में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। अब रहा जहां तक नागालैंड का सवाल है, हमारे सभी जनप्रतिनिधि यहां पर हैं, आमदारांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता है। ये अस्वस्थता ह्याच्यासाठी आहे की आमदार ही वकिलांचा सल्ला घेत असतात आणि वकील स्पष्टपणे सांगतात की जे शिवसेनेचं जजमेंट आलेलं आहे त्याच्याने अनेक गोष्टी ईसीआयच्या क्लियर झालेल्या आहेत, लेजिस्लेटिव्ह पार्टीलाच तुम्ही प्रधान मानून तुम्ही जर निर्णय घेणार असाल तर इलेक्शन कमिशनचा जो
दृष्टिकोन आहे तो चुकीचा आहे. त्यांनी सांगितलं ऑर्गनायझेशनल प्रोसिजर ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चरचा पण विचार केला पाहिजे. आणि कालची प्रेस कॉन्फरन्स घेणाऱ्यांना माहिती आहे की ऑर्गनायझेशनल सपोर्ट नावाची गोष्टच त्यांच्याकडे नाही आहे. पूर्ण ऑर्गनायझेशनची सपोर्ट आहे तो माननीय पवार साहेबांकडे आहे. ते सांगत होते संगमांचं जजमेंट ते रेफर करत होते. संगमांचं जजमेंट हे माझ्या अंदाजाने 2003 आहे आणि जे शिवसेनेचं जजमेंट आहे ते 2023 आहे. त्यामुळे जे शेवटचं जजमेंट असतं ते प्रमाण मानलं जातं. त्यामुळे शिवसेनेचं जे जजमेंट आहे आणि त्याच्यामुळे मध्ये काही पॅरेग्राफ्समध्ये उल्लेख केलेला आहे की लेजिस्लेटिव्ह पार्टी म्हणजे पॉलिटिकल पार्टी नाही. पॉलिटिकल पार्टीचा एक छोटासा भाग हा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणजे विधायक मंडळ असतं. बाकी सगळे जॅगिंग्स असतात त्याचा विचार तुम्हाला करावाच लागेल.